दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 26 मार्च 2021 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ आईपीएल 2021 के रिगार्डिंग आप सभी लोगों के लिए बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से चार बहुत ही बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली T20 सीरीज पर फाइनल डिसीजन आ चुके हैं और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाय वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि फिलहाल चल रही इंडिया इंग्लैंड सीरीज को आप माई 11 सर्कल ऐप पर खेल सकते हैं, क्योंकि फिलहाल यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर चल रहा है। जैसे ऐप को ज्वाइन करते ही फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 1500 रुपए का कैश बोनस मिलने वाला है और यहां पर हर मैच के लिए वीवीएस लक्ष्मण भी अपनी टीम बनाते हैं। यदि आपकी टीम वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हरा देती तो आपको मिलेगा आपकी विनिंग का 5 गुना ज्यादा कैश। इसके अलावा यदि आप मार्च लीडर बोर्ड में टॉप पोजिशन हासिल करते तो आपको मिल सकते हैं यहां पर 1 करोड़ रुपए। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? काफी सारे लोग यहां पर करोड़ों रुपए जीत चुके हैं, तो आप भी अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से माय 11 सर्कल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से ज्वाइन करने पर आपको 20% एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलने वाला है। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज को लेकर, जहां पर 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला भारतीय समय अनुसार आज दोपहर 1:30 बजे से पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। काफी रोमांचक और शानदार यह मैच होने वाला है। दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि अगर भारतीय टीम यहां पर जीत जाती है तो भारतीय टीम इस वनडे सीरीज को अपने नाम कर लेगी, वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम जीतती है तो 1-1 से सीरीज बराबर हो जाएगी और तीसरा वनडे मैच एक फाइनल मैच के रूप में खेला जाएगा। लेकिन इस महामुकाबले की शुरुआत से पहले इस मैच के रिगार्डिंग 3 बहुत ही बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। चलिए वन बाय वन हम बात कर लेते हैं इन तीनों ही बड़े अपडेट्स की। तो पहला अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है इंग्लैंड टीम के कप्तान नियोन मॉर्गन को लेकर। जी हां, पहले वनडे मैच के दौरान मॉर्गन इंजर्ड हो गए थे, उनके हाथ में इंजरी हो गई थी, हाथ में चोट लग गई थी, जिसके चलते भैया यहां पर वो इस वनडे सीरीज से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। और बचे हुए दोनों वनडे मैचों में जोस बटलर हमें इंग्लैंड की टीम की कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात कर जाएंगे अगले अपडेट की। तो यह अपडेट निकल कर आ रहा है सूर्य कुमार यादव को लेकर। जी आप सभी को पता है कि श्रेयस अय्यर इंजरी के साथ यहां पर इस वनडे सीरीज से पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। यहां पर नंबर 4 पर हमें सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई देने वाले, यानी भाई वनडे में आज सूर्य कुमार यादव को डेब्यू करने का मौका मिलने वाला है। T20 में डेब्यू उनका काफी शानदार रहा, T20 सीरीज में उनको मौका मिला था, शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने वहां पर करके दिया। लेकिन हम उम्मीद करते कि यहां पर इस वनडे सीरीज में भी हमें उनकी तरफ से शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो यह अपडेट भी इंग्लैंड की टीम को लेकर ही निकल कर आ रहा है। मॉर्गन यहां पर टीम से बाहर हो गए हैं, डेविड मिलान को टीम के स्क्वाड्स में शामिल किया गया है, सैम बिलिंग्स भी इंजर्ड है, जिसके चलते सेकंड ओडीआई मैच के लिए वो अवेलेबल नहीं रहने वाला। ऐसे में यहां पर उनकी जगह पर प्लेइंग 11 में लाइम लिविंगस्टोन को शामिल किया जाएगा, जो यहां पर इंग्लैंड के लिए वनडे में हमें डेब्यू करते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों ये 3 बड़े अपडेट्स यहां पर इस मैच के रिगार्डिंग निकल कर आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी सेकंड वनडे मैच को, भारत या फिर इंग्लैंड, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 के रिगार्डिंग दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लेकर। जी हां, कल आधिकारिक तौर पर ऐसी खबर आ चुकी कि भाई आईपीएल 2021 के पूरे सीजन से यहां पर श्रेयस अय्यर बाहर हो गए हैं। इंडिया इंग्लैंड के बीच पहले वनडे मैच के दौरान वो इंजर्ड हो गए थे, उनका कंधा डिसलोकेट हो गया था, जिसके चलते भाई आगामी कुछ महीनों के लिए वो क्रिकेट से दूर रहेंगे, आईपीएल से वो बाहर हो गए हैं। जिसके बाद यहां पर दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल 2021 के लिए अपने नए कप्तान की घोषणा करना भी बाकी है। मेनली यहां पर 2 युवा खिलाड़ियों के नाम निकल कर आ रहे हैं। जी हां, पृथ्वी शाह या फिर ऋषभ पंत, इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को आईपीएल 2021 के लिए यह टीम अपना कप्तान बना सकती है। लेकिन अपने कप्तान के ऊपर दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट अपना फाइनल डिसीजन आगामी 1 सप्ताह में बता देगी।
होगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर। जी हां, सीएसके का ट्रेनिंग कैंप लगभग 11-12 मार्च से चेन्नई में शुरू हो चुका था, लेकिन वही फाइनली कल देर रात को यह रिपोर्ट आ चुकी है, यह खबर आ चुकी है कि चेन्नई सुपर किंग का जो ट्रेनिंग कैंप चेन्नई में चल रहा था उसको यहां पर अब मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया है। मुंबई में हमें सीएसके के सभी खिलाड़ी इकट्ठा होते हुए दिखाई देने वाले हैं, वहीं पर हमें प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देने वाले। आप सभी को बताना चाहूंगा कि आईपीएल 2021 में शुरुआती 5 मुकाबले जो चेन्नई सुपर किंग को खेलने हैं वो मुंबई के मैदान पर ही खेलने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर। जी हां, केकेआर के लिए भी यहां पर एक बहुत ही बुरी खबर निकल कर आ रही है। केकेआर के कप्तान योन मॉर्गन और या भाई भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के दौरान वो भी इंजर्ड हो गए। इंजरी के चलते उनको वनडे सीरीज से बाहर होना पड़ा है और रिपोर्ट ऐसी निकल कर आ रही कि भाई आईपीएल 2021 के शुरुआती मैचों को भी वो मिस कर सकते थे। मैं अगर भाई यहां पर ये बाहर होते हैं, कुछ मैचों से बाहर बैठते, तो यहां पर केकेआर की टीम को भी एक नए कप्तान की जरूरत होगी। कौन होगा वो कप्तान आपके हिसाब से, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को लेकर। जी हां, लगभग यहां पर सभी टीमों की आईपीएल 2021 के लिए फाइनल जर्सी लॉन्च हो चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीमों की शानदार जर्सी हमने आप सभी लोगों को अपनी वीडियो में दिखाई भी थी, लेकिन यहां पर सभी लोगों का बेसब्री से इंतजार है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जर्सी का। काफी सारे लोगों की ऑलरेडी कमेंट्स भी आ चुके हैं, तो भाई आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि 1 अप्रैल को या फिर 2 अप्रैल को, यानी अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक में ही यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की मैनेजमेंट आधिकारिक तौर पर आईपीएल 2021 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की फाइनल जर्सी लॉन्च कर देगी। जैसे ही यहां पर जर्सी लॉन्च होती है तो सबसे पहले आपको वह जर्सी अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट इंडिया पर ही देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली T20 सीरीज को लेकर, जिसके बारे में हमने आप सभी लोगों को कल भी बताया था कि भाई किस तरह से सोशल मीडिया पर, सभी वेबसाइट्स पर, सभी चैनल्स पर यही छाया हुआ कि हमें भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज साल 2021 में देखने को मिलने वाली है। लेकिन भाई इसके ऊपर यहां पर बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से फाइनल रिपोर्ट निकल कर आ चुकी है। रिपोर्ट कुछ ऐसी कि भाई यहां पर ये जो खबरें फैल रही हैं ये पूरी तरह से टोटली फेक, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को किसी भी तरह से T20 सीरीज के लिए अप्रोच नहीं किया और ना ही यहां पर अभी दोनों ही बोर्ड्स के बीच किसी भी टाइप की किसी भी सीरीज की बातचीत चल रही है। तो दोस्तों ये है आज 26 मार्च 2021 की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।